परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में मतदाताओं की संख्या में 20-25 लाख की बढ़ोतरी की संभावना जताई जाने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को मतदान का अधिकार देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन करने की साजिश रची जा रही है। वीरवार को जम्मू शहर के अंदर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा को निकाला गया। इस दौरान जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जो है एक झांकी का आयोजन किया गया जो शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरती हुई निकली और इस दौरान जो है भगवान श्री कृष्ण के नारों से पूरा वातावरण गूंजता हुआ नजर आया। वीरवार को डेली वेजर्स की तरफ से भाजपा कार्यालय के बाहर जो है धरना प्रदर्शन दिया गया। इस दौरान इन्होंने भाजपा के खिलाफ जो है नारेबाजी की और साथ ही साथ इनका कहना था कि जब तक इन्हें रेगुलाइज नहीं किया जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। इसी को लेकर उन्होंने साफ किया कि ये जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है लोगों के अधिकार छीन रही है। बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से वीरवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान जो है इन्होंने साफ किया कि जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर ये पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं परंतु उसका कोई भी हल जो है वो नहीं निकल पाया है। इसी के चलते इन्होंने फैसला किया है कि ये आने वाले दिनों में जम्मू बंद का आह्वान करेंगे। इसके लिए इन्होंने अलग अलग एसोसिएशन से बातचीत करना शुरू कर दिया है। जम्मू जम्मू वाले वीडियो को लेकर चर्चा में आए उधमपुर के रोने दोमाल निवासी बंशु बनगोत्रा का शव वीरवार सुबह संगीत परिस्थितियों में चनैनी क्षेत्र में बरामद हुआ। कुछ दिन पहले ही बंशु ने जम्मू जम्मू का दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर नेताओं को निशाना बना लिया था। भारतीय चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्य के लोगों को भी वोट का अधिकार देने का फैसला होने के बाद प्रदेश में राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले पर चर्चा करने के लिए विपक्ष को सोमवार को अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया है। भाजपा को छोड़ अन्य सभी दलों को इस बैठक में बुलाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वीरवार को तड़के जम्मू कठुआ सांबा डोडा और श्रीनगर में 7 से 8 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी आतंकवादी सहयोगी फैजल मुनीर से पूछताछ के आधार पर की गई। फैजल मुनीर वह व्यक्ति है जिसे हाल ही में जम्मू पुलिस ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के से हथियारों की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। अनंतनाग के दूरू के महमूदाबाद इलाके में वीरवार को महमूदा गामी वर्किंग कमेटी के बैनर तले योमे महमूद मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कश्मीरी सोसाइटी इंटरनेशनल महमूद गामी वर्किंग कमेटी द्वारा स्थानीय प्रशासन कला संस्कृति और भाषा विभाग के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कश्मीरी भाषा और साहित्य के प्रति सूफी संत महमूद गामी के काव्य लेखन कौशल गद्य और विकासात्मक योगदान पर प्रकाश डाला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से दवा कंपनियों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को उनकी दवाओं की सलाह देने के लिए कई तरह के उपहार ऑफर करती है, ऐसे में इन उपहारों के लिए दवा कंपनियों को उत्तरदायी बनाया जाए।